हेलो गाइस, माय नेम इज़ महिपाल जूरिया, डायरेक्टर पैसिफिक मरीन एकेडमी। आज हम बात करने वाले हैं ट्वेल्थ अपीयरिंग स्टूडेंट्स के बारे में। बहुत सारे स्टूडेंट्स ट्वेल्थ अपीयरिंग में हैं, वो सबका एक ही सेम डाउट है कि सर हम लोग DNS फॉर्म भर सकते हैं क्या, ट्वेल्थ अपीयरिंग में हैं, ट्वेल्थ क्लास के साथ भर सकते हैं। तो जी हाँ, बिल्कुल, आप ट्वेल्थ के साथ, ट्वेल्थ अपीयरिंग स्टूडेंट सारे कंपनीज़ के DNS स्पॉन्सरशिप फॉर्म भर सकते हैं। विद ट्वेल्थ क्लास यू आर एलिजिबल फॉर ऑल कंपनीज़। और फॉर्म भरने के लिए आपको पासपोर्ट का होना कंपलसरी हो गया। आजकल बहुत सारी कंपनीज, ऑलमोस्ट 50% से अबव जो कॉलेजेस और कंपनीज हैं, उन्होंने अपने फॉर्म में पासपोर्ट को कंपलसरी कर दिया है। तो सपोज़ अभी तोलानी मैरिटाइम का फॉर्म निकला हुआ है, तो वहाँ पे पासपोर्ट कंपलसरी है। तो अगर आपकी एज 18 से कम है तो भी आप पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हैं माइनर कैटेगरी में। उसमें माइनर कैटेगरी में अगर आप पासपोर्ट अप्लाई करते हैं तो आपके पेरेंट्स को साथ में जाना पड़ेगा, मॉम और डैड को। जब आपको पासपोर्ट ऑफिस में इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे तो उनको भी साथ में अपीयर होना पड़ेगा। और अगर आपकी 18 से ज़्यादा एज है तो आप अकेले पासपोर्ट ऑफिस में जाके अपना पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हैं। एक बार पासपोर्ट अप्लाई हो गया तो उसके बाद आप सारी कंपनीज़ के फॉर्म भर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं सर कौन सी कंपनी के फॉर्म भरे हुए हैं, निकले हुए हैं, कहाँ से भरें, कैसे भरें। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन मैंने ग्रुप के वीडियो के लिंक में दिया है। तो वहाँ पे आप जुड़ जाइए, वहाँ पे सारे कंपनीज़ के, सारे कॉलेजेस के जिनके DNS फॉर्म निकले हुए हैं उनकी ऑफिशियल वेबसाइट के लिंक मैंने प्रोवाइड किए हुए हैं। कौन सी कंपनी का फॉर्म निकला हुआ है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या एज क्राइटेरिया है, और वो जो कंपनी का ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक है वो साथ में दिया हुआ है। तो वहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट के लिंक पे आप क्लिक करेंगे, उसके बाद वहाँ पे जाएंगे वेबसाइट पे तो DNS फॉर्म्स करके आपको मिल जाएगा वहाँ पे वेबसाइट पे। और वहाँ पे अपना नाम, 10th 12th के परसेंटेज, फादर्स नेम, मदर नेम, 12th के परसेंटेज, जो 12th अपीयरिंग है उसमें ऑप्शन आता है, अगर 12th पास आउट है तो आपको 12th के परसेंटेज डालने हैं, बट आप 12th अपीयरिंग स्टूडेंट है तो उसमें 12th अपीयरिंग का अलग ऑप्शन है, उसके बाद आपको 12th के परसेंटेज डालने की ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा अलग आधार कार्ड नंबर और जो भी आपकी डिटेल्स वो फॉर्म में है, पासपोर्ट नंबर, वो सब आप फॉर्म फिलअप करिए। उसके बाद जब कंपनी का एग्ज़ाम शेड्यूल होगा, रिटर्न एग्ज़ाम, तो आपके जो मेल आईडी आपने दिए फॉर्म में, वो मेल आईडी पे आपको मेल आ जाएगा। अगर कंपनी का एग्ज़ाम, रिटर्न एग्ज़ाम ऑनलाइन है तो आपके पास ऑनलाइन एक लिंक आ जाएगा मीटिंग का, वहाँ पर वो लिंक पे आप क्लिक करके ऑनलाइन उनका एग्ज़ाम दे सकते हैं। अगर एग्ज़ाम ऑफलाइन है तो आपको सारी डिटेल्स आ जाएगी, कौन से टाइम पे, कितने बजे, कौन से सेंटर पे है, कौन सी स्कूल में है। सपोज़ आपका दिल्ली में है किसी स्कूल में, केंद्रीय विद्यालय में, सो वहाँ का एड्रेस, स्कूल का और टाइमिंग सब कुछ आ जाएगा। उसके बाद आप रिटर्न देंगे, रिटर्न अगर आपने पास कर लिया आइदर ऑनलाइन और ऑफलाइन, रिटर्न का रिज़ल्ट तुरंत आ जाता है, सेम डे आ जाता है। उसके बाद आपका इंटरव्यू जब शेड्यूल होगा तो इंटरव्यू के लिए आपको फिर से मेल आएगा, तो आपको मेल चेक करते रहना है और मेल आईडी फॉर्म में आपको करेक्ट डालनी है। अगर बाकी डिटेल्स में कुछ मिस्टेक हो गई, कुछ गलत डाल दिया, सरनेम, फादर नेम, मदर नेम, परसेंटेज, तो ओके चलेगा, कोई इशू नहीं है। बट आपका जो डिटेल्स है इसकी, मेल आईडी की, वो करेक्ट होनी चाहिए, बिकॉज आपको मेल आईडी पे ही सब कुछ आपका कम्युनिकेशन होगा कंपनी के साथ। तो ऐसे करके आप फॉर्म भर सकते हैं, साथ में अपना ट्वेल्थ का एग्ज़ाम पे आप फोकस रख रहिए। ट्वेल्थ का एग्ज़ाम कंप्लीट होने के बाद भी आप कंपनीज़ के फॉर्म भर सकते हो, बिकॉज सारी कंपनीज़ के फॉर्म्स एटलीस्ट अप्रैल तक ओपन रहते हैं। तो मार्च में ऑलमोस्ट सारे स्टेट बोर्ड्स के एग्ज़ाम हो जाएं, स्टेट बोर्ड्स के जो ट्वेल्थ स्टूडेंट हैं, आइदर महाराष्ट्र बोर्ड, कर्नाटका बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, यूपी बोर्ड, उनके मार्च में वो एग्ज़ाम हो जाएंगे, और जो CBSE बोर्ड के स्टूडेंट हैं उनके फेब में एग्ज़ाम हो जाएंगे। तो आप अपने ट्वेल्थ के एग्ज़ाम के बाद भी फॉर्म भर सकते हो, और अभी आपको भरना है, आपके पास पेशेंस नहीं है, आप इतना रुकना नहीं चाहते, तो अभी आप फॉर्म भर सकते हो। अभी के लिए 3 कंपनीज़ के फॉर्म निकले हुए हैं, तोलानी मैरिटाइम इंस्टीट्यूट जो कॉलेज है उसका फॉर्म है, IMI नोएडा का, और सीनर्जी मैरिटाइम का फॉर्म निकला हुआ है। तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे वो तीनों के आपको ऑफिशियल वेबसाइट के लिंक मिल जाएंगे, वहाँ पे जाके आप फॉर्म भर सकते हो। और आपको फॉर्म भरते टाइम ध्यान रखना है, फ़ोटो आपको अच्छी रखनी है, आपको फॉर्मल ड्रेस में अगर कोई फ़ोटो है या स्कूल ड्रेस में फ़ोटो है तो वो फ़ोटो लगानी है, आपका हेयर कटिंग वगैरह अच्छे से होगा तो उसका अच्छा इंप्रेशन जाएगा।
कंपनी और कॉलेज के फॉर्म में, तो उसका आपको ध्यान रखना है। तो उसके बाद आप अगर जैसे ही आपका 12th का एग्ज़ाम फिनिश हो जाता है, उसके बाद आप अच्छे से प्रिपरेशन करिए IMUCT का और सारी कंपनियों के रिटर्न और इंटरव्यू का प्रिपरेशन करना है अच्छे से। अगर आपको प्रिपरेशन के लिए गाइडेंस चाहिए तो वी प्रोवाइड्स बोथ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन कोचिंग्स। सो अगर आपको ऑनलाइन में जुड़ना, आपका बजट कम है और आप अपने घर से बाहर नहीं निकलना चाहते कोचिंग के लिए, तो उसके लिए आप ऑनलाइन ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप ऑफलाइन में आ सकते हो, आप जो हमारा सेंटर है ऑफलाइन का सीकर राजस्थान में है, वहाँ पे अगर आ सकते हो, आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं, फिजिकल मॉक इंटरव्यूज़ देने हैं, आपको कॉन्फिडेंस बूस्टअप करना है फिजिकली, तो आप ऑफलाइन में आ सकते हो। तो दोनों मोड अवेलेबल हैं, आपको पूरा गाइडेंस दिया जाएगा। आपकी 12th के एग्ज़ाम के बाद IMUCT की एग्ज़ाम से पहले पहले पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा। सारी कंपनियों के रिटर्न सारी कंपनियों के फॉर्म आपको फिलअप कराए जाएंगे, सारी कंपनियों के रिटर्न के लिए आपको गाइड किया जाएगा, इंटरव्यू के लिए गाइड किया जाएगा, प्रिपरेशन आपको इंटरव्यू की प्रिपरेशन कराई जाएगी, रिटर्न की कराई जाएगी, IMUCT का कंप्लीट सिलेबस आपका कवर होगा। साथ में आपके IMUCT के जो पैटर्न है उसके बेस्ड पे आपके मॉक इंटरव्यूज़ चलते रहेंगे। IMUCT का 200 मार्क्स का पेपर आता है, उसमें माइनस मार्किंग भी रहती है, तो सेम पैटर्न पे आपके मॉक इंटरव्यू कोचिंग में चलते रहेंगे। और जो कंपनीज़ के एग्ज़ाम ऑनलाइन हैं, तो वो आपके वहीं पे कोचिंग से सारे एग्ज़ाम्स आपको गाइडेंस मिल जाएगी, कहाँ लिंक पे कैसे क्लिक करना है, कैसे मीटिंग ज्वाइन करनी है, कैसे एग्ज़ाम आपको देना है, और आपके सारे मेल चेक करना, एवरीथिंग वी विल हेल्प यू, एंड ऑल्सो फॉर फॉर्म्स ऑफ IMUCT एंड ऑल कंपनीज फॉर्म्स में वी विल हेल्प यू। तो आप लोग पैसिफिक मरीन एकेडमी में एक बार आ सकते हैं, डेमो क्लासेज हमारी फ्री हैं, ऑनलाइन में भी 2 डेज़ का फ्री डेमो क्लासेज है एंड ऑफलाइन में भी हमारी 5 डेज़ फ्री डेमो क्लासेज हैं विद फ्री अकोमोडेशन एंड फूड। अगर आपको डेमो क्लासेज अच्छी लगे, आपको सब कुछ पसंद आए, फैकल्टी एटमोसफियर सेलेक्शन रेशियो, उसके बाद आप एडमिशन ले सकते हैं। थैंक यू गाइस।